विधानसभा जोरूप छोरूप पर है। मढौरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी राकेश कुमार हैं। राकेश ने बताया कि वार्ड नंबर 10 के सम्मानित जनता जनार्दन का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर बेहतर विकास करूंगा। राकेश ने बताया क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित देखकर लोगों के कहने पर मैं इस बार 10 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा अगर इस बार की जनता ने मुझे मौका दिया तो वार्ड नंबर 10 में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं होंगी उसको धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी। गरीब लोगों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में विशेष कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया अगर 10 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद बनता हूं तो वार्ड में स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराऊंगा जो सभी क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्य करने की बात कही। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के मढौरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में, जहां से लोकप्रिय समाज सेवी के रूप में राकेश कुमार शाह नजर आ रहे हैं। आज राकेश कुमार शाह हमारे बीच मौजूद हैं। 10 नंबर वार्ड से भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के अदालत में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। राकेश कुमार शाह से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है नगर पंचायत का, जिसमें चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये लोग जनता के अदालत में जा रहे हैं। राकेश जी, जी हमारे गांव में ढंग से काम नहीं हो रहा है। जी जी, अभी तक नाला भी नहीं बना हुआ है ना, अभी तक रोड भी क्लियर हुआ है, कुछ भी कार्यक्रम सही से नहीं होता। जी जी, तो लगातार सरकार के तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, तो क्या उस योजना का लाभ 10 नंबर वार्ड के जनता के बीच नहीं पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा, तभी तो ये हालात है। इस बार आप प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 10 के जनता के अदालत में हैं। क्या इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि कोई भी काम होगा अगर हमारे खिलाफ होता है तो अच्छा होगा। चूंकि लगातार 7 निश्चय योजना के माध्यम से भी बेहतर विकास करना था वार्ड का, आपके वार्ड में नल जल का व्यवस्था नहीं है क्या? है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। जी, क्या जनता से अपील करेंगे अपने चुनाव को लेकर के? हम जनता से अपील करेंगे कि भारी मतों से हमें विजयी बनाए और पूरा लाभ सेवा का मौका दे, सेवा करने का। निश्चित तौर पर राकेश कुमार शाह का यह मानना है कि सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं तो चलाई जा रही है, लेकिन वह योजना धरातल तक आते आते दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे मुद्दा को लेकर के मैं जनता के अदालत में हूँ। अगर वार्ड नंबर 10 के सम्मानित प्रभु जनता जनार्दन ने मुझे सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 10 का सर्वांगीण विकास करूंगा। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ 100% जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और साथ ही तमाम खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। We'll be right back.